राधे राधे सर सर मैं कानपुर की रहने वाली हूँ और uh, मेरे साथ सर एक्चुअली सीन ये हुआ था कि 2022 में मेरे बोर्ड से एग्जाम्स हुए थे मे के आसपास उसके बाद मैंने ऑलरेडी सोच रखा था कि मुझे सी का कोर्स करना है काफ़ी क्वालिफाइड प्रोफेशन है एकदम अच्छा प्रोफेशन है तो मैंने तय कर रखा था बट सर मैं इतना न्यू टू द प्रोफेशन थी कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मॉड्यूल कब दिया जाता है कितने गैप होना चाहिए प्रिपरेशन की और uh, क्या सिलेबस होता है मैंने मतलब रिसर्च उतनी ज्यादा नहीं करी थी तो जैसे ही मेरा सर बोर्ड जो मैंने सी एस डब्लू का फॉर्म भर के पेपर uh, दे दिया था और वो क्लियर भी हो जाता है तो हो गया था मेरा उसके बाद सर मैंने तुरंत एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करा लिया था अपना और सर मैं कानपुर से हूँ तो मेरा से स्टार्टिंग से ये प्लान था कि मुझे मैनुअल क्लासेज अटेंड करनी है एकदम फिजिकल बैच बिकॉज सर ऑनलाइन में जो एक आप वो मिस कर देते हो फेस फेस में एक अलग ही मजा होता है पढ़ाई करने का और सर मुझे क्वालिटी टीचर्स चाहिए थे जिससे मुझे अच्छी पढ़ाई मिल जाए बस तो सर मैंने कोचिंग किया है कानपुर में वो मैंने ज्वाइन करी पर सर वहाँ पे इतनी बेकार कोचिंग मतलब मैं आपको क्या बताऊँ ना अच्छे से पढ़ाते थे सोचिए एक सी की क्लास नॉर्मल कम से कम छह से सात घंटे होनी चाहिए उनकी एक डेढ़ घंटे में उन्होंने हम लोग को क्या क्या पढ़ा दिया जो तीन तीन चार चार एक एक हफ्ते वाले जो चैप्टर्स होते हैं कवर करने वाले वो उन्होंने हम लोग को एक दो दिन में करवा दिया और मैं समझ गई थी कि मैं बहुत गलत जगह के फंस गई हूँ और सर वहां की कोचिंग की फीस पच्चीस हजार रुपए थी एक मॉड्यूल की जब सर मेरे साथ ये सीन हुआ और मैंने उस टाइम दिसंबर के लिए ही वो अटेम्प्ट भरा था सर मैं बहुत डर रही थी मेरा कंपनी लॉ बिल्कुल क्लियर नहीं था और मेरे बाकी सब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर नहीं थे टैक्स भी बिल्कुल अच्छा नहीं था उसके बाद सर मैंने पेपर दिया तो टचवोर्ड मेरी एग्जामिशन आ गई थी जे आई जेल में तो सर वो मेरा अम्मा को वापस देना नहीं पड़ा पेपर लेकिन मेरे तीन पेपर फेल हो गया अटैम्प्ट मेरा फिर सर मैंने उसके बाद सेल्फ स्टडी करी थी और मॉड्यूल टू तो की कोचिंग ले ली थीडमी तो ये वो मॉड्यूल टू तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया बट सर स्टिल मेरा वो तीन सब्जेक्ट रह गए थे उसके बाद सर मैंने अभी आपकी क्लासेस ली थी बिकॉज मैंने आपके जब मैं मैंने लास्ट ट्वेंटी 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 थ्री में आपकी रिविजन लेक्स अटेंड किए थे कंपनी लॉ के तब तो तो मैं समझ गई थी कि सर आप कितने मतलब क्या मिल गया ऐसा लग रहा था मुझे कैसे नॉलेज आ गई एकदम से मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं बिकॉज बिकॉज दस टीचर्स होते हैं रिविजन डालने वाले बट सर आपका समझ एकदम क्रिस्प क्र, क्लैरिटी आ रही थी कि हाँ ये चीज ऐसे होती है चीज ऐसे होती है ऑल मैंने आपकी क्लासेस नहीं ली थी स्टिल बट सर अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम क्लियर नहीं हो पाया था लेकिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आपकी क्लासेस लूँगी तो सर फिर मैंने आपकी जो क्लासेस ली हैं जो मैंने पढ़ाई करी है ना भाई मतलब सर मैं क्या बोलूँ शॉर्ट ऑफ वर्ड्स इतना नॉलेज इतना इनडेप नॉलेज आपकी बात आप प्रूफ खुद ही करते हो बाल की खाल और खाल की भी खाल तो वो चीज़ मैंने सर एक्सपीरियंस करी है आपके यहाँ पढ़े और मतलब तो, मुझे बहुत अच्छा लगा तो सर ये मेरा तीसरा अटेम था और मैं पास हो गई और स्टार्टिंग से सर मेरा थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं रही हैं तो उस मजबूरी के कारण भी हम कभी कभी वो सोचते हैं कि वो कोचिंग में इतने पैसे बर्बाद हो गए फालतू टीचर्स का कभी ध्यान नहीं दिया ये सब तो सर मेरा ऐसा कुछ सीन रहा है स्टार्टिंग से सर आपसे पढ़ने के बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है जो मैंने अपने पास्ट टीचर्स से जो जितने जो भी टीचर्स से मैंने पढ़ा और अब मैंने आपसे पढ़ा तो मुझे बहुत डिफरेंसेस दिखते हैं मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है मतलब जो हमेशा से मैंने क्रेव करी थी एक टाइप ऑफ एजुकेशन जो मुझे चाहिए थी वो मुझे आपसे मिली है आप जब पढ़ाते हो ना सेक्शंस बचते हैं दिमाग में बैठ जाते हैं उस टाइम पे भले ही बच्चे को याद ना हो ठीक है उसको रिविजन करना रहता है बट सर कोई भी आज आप सेक्शन अगर आप अपना वीडियो को भी डालते हैं आप कोई भी सेक्शन छेड़ते हैं ना तो एक बच्चे को पता रहता है अच्छा सेक्शन वन क्या है सेक्शन वन क्या है सेक्शन वन क्या है एटलीस्ट उसको हेडिंग पता होती है तो वो बहुत अच्छी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है एक बच्चे का तो वो चीजें सर मैंने आपसे बहुत सीखी हैं और आपकी स्टोरी मैंने पढ़ी थी जो आपने ग्रुप डाली थी सर बहुत इंस्पायरिंग सर इतना ज्यादा एकदम से बूस्टअप मिला अंदर से इतना मोटिवेशन आया ना कि अगर आपको करने का प्यार है पैशन है ना आपको मोहब्बत है जैसा आप वर्ड्स बोलते हो तो बच्चा कर लेगा कोई इंसान किसी को मतलब कोई इंसान कोई शक्ति किसी को रोक नहीं सकती है मतलब बहुत अच्छा लगता है सर मुझे आगे से गुरु मिले तभी मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ बाकी माता पिता का भगवान का आशीर्वाद रहा है हमेशा से तो ये चीजें हैं सर और मैं आपसे हमेशा कनेक्टेड रहना चाहती हूँ ताकि मैं आपसे और चीजें सीखूँ और और चीजें लाइफ सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं बट लाइफ में भी काफी आपसे मोटिवेटेड रहूं बिकॉज आप मेरे इंस्पिरेशन हो सर